नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी हम खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सिरदर्द बन चुके बागी प्रत्याशी लादूलाल पितलिया ने आखिरकार अपना नामांकन वापस ले लिया है, और इस नामांकन वापसी के साथ ही भाजपा ने चैन की सांस ली है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि लादूलाल पितलिया इससे पहले भी यहां पर बागी होकर चुनाव लड़े थे और उन्होंने 30,000 वोट प्राप्त किए थे। तो जाहिर तौर पर 30,000 जो मत है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लिहाजा पितलिया भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके थे। लेकिन आज उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन इस नामांकन वापसी के साथ ही अब सियासी राह ठन गई है। दरअसल पितलिया का खुद भी कहना है कि कर्नाटक में उनका व्यवसाय चलता है और उस व्यवसाय पर दबाव बनाया जा रहा था ईडी का, इनकम टैक्स का, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और कर्नाटक भाजपा के नेताओं की ओर से भी पितलिया पर खासा दबाव बनाया गया कि वो अपना नामांकन वापस ले। जाहिर तौर पर पितलिया के इस बयान के बाद से सियासी राह ठन गई है, लेटर तक निकल कर सामने आया, उनका ऑडियो भी वायरल हुआ। अब इसके बाद से कांग्रेस मुखर होकर सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो है ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है, सभी अनैतिक राजनीति की जो सीमाएं हैं वो लांघने का आरोप लगाया है। बहरहाल डोटासरा के इन आरोपों का जो भाजपा के जो मुखिया हैं प्रदेश के सतीश पुनिया, उन्होंने पलटवार किया है। कुल मिला के जो उपचुनाव का जो रण है वो अब लगातार परवान पर चढ़ने लगा है। बहरहाल आप देखिए आज की हमारी खास रिपोर्ट कि किस प्रकार से जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, अजय माकन हैं और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो किस प्रकार से अब उदयपुर में डेरा डालने वाले हैं और कैसे पायलट अब तूफानी कैंपनिंग करेंगे, क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अप्रैल के दस्तक के साथ ही सूबे का पारा चढ़ने लगा है, लेकिन उससे भी तेज चढ़ रहा है सियासी पारा, क्योंकि प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब शह और मात का खुला खेल शुरू हो गया है। भाजपा जहां किसी भी कीमत पर जीत की पटकथा लिखने में मशगूल है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंकने की योजना लगभग तैयार कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नामांकन वापसी की तारीख के बाद अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने जा रही है। 4 अप्रैल से कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विधिवत रूप से रूट प्लान भी तैयार किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने 30 से ज्यादा स्टार प्रचारकों की फौज तैयार की है, जो तय रूट चार्ट के मुताबिक उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभाएं करेंगे। खैर, इसी बीच खबर यह भी है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन खुद उपचुनाव पर पैनी निगाहें रखेंगे, जिसको लेकर उदयपुर में एक छोटा चुनावी वॉर रूम भी तैयार किया जाएगा। इस वॉर रूम की निगरानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। दरअसल इस वॉर रूम के जरिए तीनों सीटों पर चुनाव प्रबंधन और बूथ मैनेजमेंट की रणनीति को अंजाम दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक वॉर रूम प्रदेश कांग्रेस कंट्रोल रूम से भी अटैच होगा, जहां की तमाम गतिविधियां वॉर रूम को मिलती रहेंगी। वहीं कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रभारी अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा मतदान संपन्न होने तक उदयपुर में ही डेरा डालेंगे, जहां से वे पार्टी के अन्य नेताओं के साथ तीनों सीटों के लिए रणनीति तैयार कर चुनावी कमान खुद अपने हाथों में लेंगे।
वहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ उदयपुर में कैंप कर सकते हैं ताकि तीनों सीटों पर पैनी निगाहें बनी रहें। वहीं खबर यह भी है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बतौर स्टार प्रचारक विशेष रणनीति के तहत रूट प्लान तैयार किया जा रहा है और खास तौर पर पायलट की मुख्य रूप से सहाड़ा और राजसमंद में विशेष सभाएं कराई जाएंगी। खैर, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कामयाब हो पाती है, क्योंकि विपक्ष में बैठी भाजपा उपचुनाव का रण फतह कर सत्ता का दरवाजा खटखटाना चाह रही है, तो वहीं कांग्रेस तीन सीटों में फतह कर अपने अंकगणित को और मजबूत करना चाहती है। खैर, बदलते वक्त के साथ सियासी समीकरण कैसे करवट लेते हैं, इसके लिए अभी जरा और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए, आपने हमारी खास रिपोर्ट की उपचुनाव को लेकर जो सूबे का सियासी पारा है वो लगातार तल्ख होता जा रहा है। जाहिर तौर पर ये भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उपचुनाव के परिणाम सूबे की जो सियासी दिशा और दशा है वो दोनों तय कर देंगे। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।